ये सारा नेचुरल तरीके से बनाया गया है। इस तरीके का आपको पेड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेंगे मोरक्कल गार्डन में। काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। हेलो, ये देख सकते हैं दुबई के अंदर कितना ग्रीन इन्वायरमेंट है। और मैं यहाँ आया था घूमने और कितना अच्छा प्यारा वाला अमेजिंग नज़ारा है। शाम को यहाँ फैमिली वगैरह आती है घूमने तो मैं भी इधर आता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ इंजॉय करने वाली होती हैं, इन्हीं को इंजॉय करने के लिए आपको करनी होती है मेहनत। और देखो अमेजिंग प्यारा वाला व्यू है, ये नेचुरल है। जितने भी हाथी ऊँट गधे सब कुछ नेचुरल बने हुए हैं। तो ये है नज़ारा, ये नजारा 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 नजारा। तो ये है गेट और ये देख सकते हैं पुराने टाइम का गेट है, कितने बड़े बड़े गेट बने हैं। ये देखो गाइस, बिल्कुल नेचुरल करल। बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, फैमिली आती रहती है घूमने। मस्त और अमेजिंग प्लेस है, देख सकते हैं नेचुरल तरीके से बनाया गया है सारा कुछ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होगे, प्रॉफिट कर रहे होगे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डे 10 की वीडियो। और ये वीडियो जैसे कि हमारी रेंज रोवर सीरीज चल रही थी उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और कुछ रीजन की वजह से, जो रीजन था मैंने वो जो विनर 9 वाली वीडियो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया क्या रीजन है। तो चलते हैं, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबी ना करूँगा, सीधे काम की बात करते हैं। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो ट्रेडर्स, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखाते हैं, बड़े बड़े कलरफुल लाइट दिखाते हैं। तो यार ऐसा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आप सिंपल फोन से भी ट्रेड कर सकते हैं, लैपटॉप से भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसको जो करना होता है लैपटॉप और मोबाइल दोनों से कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसा कलरफुल लाइट दिखाते हैं जैसे इसमें रशियन नचाएंगे का इस तरीके का उनका सेटअप लगता है। बिल्कुल अजीब लगता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उनमें लाइटिंग ज़्यादा होती है, और जो लग्जरी 5 स्टार या 7 स्टार प्रॉपर्टी होते हैं उनमें बिल्कुल सिंपल सिटी और सिंपल थीम के उनका काम किया जाता है। तो इसको रिलेट मैंने इसलिए किया है कि जितना प्रॉफिट आना होगा वो सिंपल लैपटॉप से भी आ जाएगा, सिंपल फ़ोन से भी आ जाएगा। नहीं आना होगा तो तुम कितने भी कलरफुल लाइट लगा लो, कितना भी कुछ भी बड़ी बड़ी स्किल लगा लो, नहीं होगा फिर भी कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल है जिसने भी हमारा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारे जो विनर 9 की वीडियो है इसको भी देख सकते हैं, और जो रेंज रोवर सीरीज का डे 9 है, आज हमारी डे 10 है। तो ये जिसको भी पार्टिसिपेट करना, तो ये इसमें फुल मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग तो आप कर ही रहे हैं साइड बाय साइड। अगर आपको मैं इनाम देता हूँ एज ए अपनी खुशी से, तो आपको लेने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपसे कोई फीस या रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको इस तरीके से मान सकते हैं जैसे IPL चलता है, इसमें क्रिकेट टीम होती है कि एक मैन ऑफ द मैच होता है। तो ट्रेडिंग तो आप रियल लाइफ में करोगे ही, कभी ना कभी करोगे या फिर जैसे भी कर भी रहे होंगे, तो
तो एक मैं अपनी तरफ से अपने मेंबर्स के लिए, वीआईपी मेंबर्स के लिए अपनी तरफ से मैन ऑफ द मैच की तरह एक अवार्ड देता हूँ। तो अवार्ड हो सकता है 5x वालों को 500, 10x वालों को 1000 डॉलर, 20x वालों को 2000 डॉलर। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आपसे इसको पता भी चला गया हो, जितने आज तक हमारे 9 विनर बन गए, तो ये 8 विनर का वीडियो देख सकते हैं, उससे पहले जितने भी 7th, 6th, 5th, 4th जितने भी हैं सबको देख के पता चल जाएगा। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। तो लाइक अजय जैसे मैन ऑफ द मैच, तो ये इसको बोल सकते हैं मैन ऑफ द ट्रेडिंग। तो इसके लिए मैंने स्टार्टअप किया आईपीएल के अकॉर्डिंग, जैसे मैन ऑफ द मैच होता है तो हमने भी मैन ऑफ द ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो जो भी है आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग तो आप कर ही रहे हैं। रिफ्रेश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कोटेक्स की बहुत सारी यूट्यूब पर फेक वीडियो अपलोड हो रही है, तो क्या होता है कि वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें कोड कुछ भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो जैसा वो चाहते हैं ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश होने के बाद आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और जो जैसे तो गूगल में भी कोई चेंज कर सकता है क्योंकि वो पेज उसने रिफ्रेश नहीं किया, पेज जब रिफ्रेश हो जाता है तो जैसा उसका डेटाबेस होता है कंपनी का उस तरीके से शो होने लग जाता है। तो इसको अगेन मैंने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरी 4 जून की 4 डॉलर की ट्रेड थी, उसके बाद 8 की, तो इसको मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल आपके लिए रेंज रोवर सीरीज के लिए। तो 6 मई को ट्रेड हुई है, उसके बाद इसमें कोई ट्रेड नहीं हुई। तो आपने देखा होगा मैं लीडर बोर्ड वगैरह पर नहीं दिखता हूँ, तो उसको ना देखने का रीज़न है कि मैं स्पेशल तरीके से सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, और वो भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक मोटिवेशन का काम करेगी। तो चलिए फिर आपको मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड आपको जिसने भी हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे मैं उनके एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम जितने भी हमारी कैपिटल है उस कैपिटल का 5x गेन करेंगे, जैसे कि अभी इसमें ये हमारी कैपिटल इसको 5x गेन करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक टूल बनाया हुआ है, टूल हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। रीसेट करने के बाद आप इसमें देखेंगे टोटल अमाउंट कितना है, 19164, तो मैं यहाँ फिल कर दूँगा 19164। तो टोटल ट्रेड हम इसमें 6 रखेंगे क्योंकि जैसे ज़्यादा है या क्रूसी रखेंगे तो जितना आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड का वन अमाउंट है हमारा 197, तो मैं फिल कर दूंगा 197। तो इसमें मैं कुछ भी रॉकेट साइंस यूज नहीं करता हूँ, इसमें सिंपल मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ, जो माइनर ट्रेंड होता है और एक मेजर ट्रेंड होता है। तो मैं माइनर ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि माइनर ट्रेंड ये हमारी जो छोटी वाली लाइन है ये जिगजैग की, ये हमारा माइनर ट्रेंड बताती है, और मैं 1 मिनट के लिए माइनर ट्रेंड फॉलो करता हूँ, उसको मैं अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी स्पेशल स्ट्रेटजी, जैसा कि आप बोलते होंगे कि यार तुम्हारी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, मेरी स्ट्रेटजी कोई नहीं, दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो वो ट्रेंड फॉलो करता है, ट्रेंड इज फ्रेंड, कोई भी ट्रेडर होगा वो ट्रेंड जरूर फॉलो करेगा। तो हम भी दुनिया से अलग नहीं है, दुनिया की तरह ही है, तो हम भी उसी की तरह ट्रेंड फॉलो करेंगे। और जो ट्रेंड कभी भी कुछ भी चीज़ें होती हैं तो, लेकिन हमें अपने ट्रेंड को नहीं छोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम एयर हवा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिधर साइड की हवा चलती है उधर साइड आसानी रहती है चलने में, तो सेम जिधर हमारा ट्रेंड रहता है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लेस करेंगे, तो हमें आसानी रहेगी हमारी ट्रेड की पॉसिबिलिटी जब विन होने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस सर यहाँ पे है डाउन ट्रेंड, और जो मेरा माइनर ट्रेंड है वो डाउन की तरफ है, और ट्रेंड इसलिए पता चल रहा है जैसे कि इसमें देख सकते हैं डाउन की तरफ आ रहा है, और यहाँ से रेड कैंडल बनी तो मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। तो ट्रेड यार फर्स्ट ट्रेड हमारी गड़बड़ होगी, बहुत ज़्यादा नीचे प्लेस हो गए, तो जो भी होगी चीज़ें देखी जाएगी, लेकिन हमारा मनी मैनेजमेंट हमारे साथ है। तो ये टूल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया आपके लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रेड हमारी सक्सेसफुली विन हो गई है। तो चलते हैं दूसरे पेयर पर, और जो ट्रेड सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ऐसा आप भी सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो जैसा कि इसमें बना हुआ डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं फिर इसका क्या रिजल्ट आएगा। ट्रेड काफ़ी नीचे प्लेस हो गई है। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है हमारी गलती की वजह से, जैसा कि हमने डाउन के लिए प्रेडिक्शन की थी, रेड कैंडल बनी है। तो चलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम पर, तो मैं हमारी एरर आती रहती है, तो इसको मैंने लॉस फिल कर दिया और मैंने इसको कर दिया सबमिट। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आया हमारा वो 437। अगर इसमें हम MTG प्लेस करते हो तो ये भी बिन हो जाती है। अब दूसरे पेयर में देख लेते हैं।
तो गाइस सर इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड अप ट्रेंड है, और ये कैंडल जैसे कंप्लीट हो जाती है तो मैं अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा। तो मैंने एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ये ट्रेड होगी हमारी विन, विन के बाद हम इसमें सिस्टम में जाएंगे, इसको कर देंगे विन पेस्ट। और जैसा कि हमारी फर्स्ट ट्रेड भी विन हुई थी लेकिन मैंने इसमें फिल नहीं की थी, तो कोई बात नहीं, इसमें हमारे सिस्टम में शो हो रही है सर दो ट्रेड विन हो गई हमारी। और ये हमारा ईद मुबारक का एक प्रोमो कोड आया है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो गाइस सर इसमें माइनर ट्रेंड अप ट्रेंड में, तो मैं इसमें एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, लेकिन अभी इसमें टाइम है। तो 197 की हमारी ट्रेड थी, तो ये मैंने अपसाइड के लिए प्लेस कर दिया, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ये ट्रेड होगी लॉस, तो लॉस को पेशेंस में बने रहने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है, तो मैंने इसमें लॉस फिल कर दिया, क्योंकि जब इसमें सिस्टम हम फिल करने आएंगे तो कैलकुलेटर रिस्क रहता है हमारा 441। तो ट्रेडर्स मैं आपको बता दूं मैं कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा हूं। अब ये देख सकते हैं ये जो लाइन है इसने डाउन की तरफ इंडिकेट किया हुआ है, और इसमें मैक्सिमम कैंडल रेड बनी हुई है, तो ये इसके बाद भी हम रेड के लिए डाउन के लिए एक ट्रेड प्लेस करेंगे। तो क्यों प्लेस करेंगे, क्योंकि मेजर इसमें रेड भी बहुत सारी हैं, और ये जो लाइन का डायरेक्शन ये भी डाउन की तरफ है, तो मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब ये हमारा लॉजिक है, इसके बाद ये लॉस हो प्रॉफिट हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मनी मैनेजमेंट हमारे साथ है, तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रेडर्स दिखाते हैं, विन दिखा देते हैं, $1 से $1,000 दिखा दिए, $1,000 से $10,000 दिखा दिए, तो मैं वही चीज़ दिखाता हूँ जो रियलिस्टिक है और जो आप अपने आप से रिलेट कर पाते हो, वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फालतू की बकवास मैं नहीं दिखाता, चाहूँ तो मैं भी ऐसी दिखा सकता हूँ जैसे दूसरे दिखाते हैं, क्योंकि तो उसमें क्या रहता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देते हैं, जो बढ़िया बढ़िया पार्ट होता है उसमें वॉइस ओवर डाल के अपलोड कर देते हैं। बाकी आप देखे होंगे मैंने इसमें ये जो मैंने ट्रेड हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि इसमें मैंने देखो 8 मई को ट्रेड हुई है, 6 मई को ट्रेड हुई है, 4 जून को ट्रेड हुई है, तो 4 जून को $4 की ट्रेड हुई है। तो बताने का पर्पज़ यही है कि देखो चीज़ें सिंपल जितना रखेंगे इतनी अच्छी रहती हैं। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है, तो लॉस होने के बाद हमें डरना नहीं बिल्कुल भी, या तो इसमें MTG यूज कर लेंगे, डबल अमाउंट से डबल ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया। तो इसलिए यूज किया कि क्योंकि जैसे इसमें हम फिल करते हैं, मान लो इसमें मैंने लॉस फिल कर लिया, तो लॉस फिल करने के बाद इसमें अमाउंट हो जाता है ये हमारा 979, तो इसका मैंने डबल कर दिया, तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर आएगा, तो दोनों की इक्वल बैठेगा ये, तो दोनों का लॉजिक यही है। लेकिन ये सिस्टम से फॉलो करेंगे तो क्योंकि जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोस्टली कोटेक्स में क्या होता है कि एक हैबिट होती है कि ऐसे बार बार एक साथ कई ट्रेड प्लेस हो जानी, और थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा फिल करने में, तो डायरेक्शन हमारी चेंज भी हो जाती है। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ साथ आप अपनी कैपिटल का विशेष ध्यान रखें, आप वही कैपिटल पर डे यूज करें जिसको एक दिन में खो जाने से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये ट्रेड हमारी होगी लॉस। तो चलते हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम पर, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेड थी हमारी लॉस होगी, और ये ट्रेड हमारी लॉस होगी, तो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 2174। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें 2174 अमाउंट फिल कर देंगे 2174, और दूसरा पेयर में देख लेता हूँ। पेयर का इसमें डाउन ट्रेंड बना हुआ, तो मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, और ट्रेड प्लेस थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है। अब ये 1:30 की एक कैंडल बनेगी पूरी, तो देखते हैं इसके बाद क्या रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि जब थोड़ा सा लॉस बढ़ने लग जाता है तो हड़बड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे आपके साथ होता है सेम मेरे साथ भी होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ नहीं होता, चीज़ें सबके साथ सेम ही होती हैं।
ये ट्रेड होगी लॉस, तो मैं इसमें लॉस फिल कर देता हूँ। तो इसके बाद ये देखना, मनी मैनेजमेंट की पावर देखना। और इसके बाद मैं दूसरे पेयर में जाता हूँ। इस अमाउंट को इसमें मैक्सिमम 3,000 लगेगा, तो मैं इसको डबल कर दूंगा। तो गाइस सर, हम सेम लॉजिक फिर दोबारा से यूज करेंगे, लगातार इसमें देखेंगे रेड कैंडल है कंटिन्यू। उसके बाद ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये भी डाउन की तरफ बता रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ये कैंडल कंप्लीट हो जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। तो अभी इसमें टाइम है, तो मैं वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद मैं तुरंत रेडी हो जाता हूँ, और ये मुझे डबल ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल ट्रेड है, हमें लॉस हो गई, तो मुझे डबल से इसको मनी मैनेजमेंट को फॉलो कराना होगा। तो मैंने दो बार ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन के लिए। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। हमें अपनी स्ट्रेटजी पर बने रहना है, ऐसा नहीं है कि अब इस ट्रेड पर लॉस, इस स्ट्रेटजी पर लॉस होगा तो दूसरी स्ट्रेटजी पर चेक करने गए। अगर आपने एक बार में 10 स्ट्रेटजी भी यूज की, तो 10 की 10 ट्रेड लॉस हो जाएंगे। तो हमेशा एक ही स्ट्रेटजी पर बने रहना है। लॉस होता है तब भी उसी स्ट्रेटजी पर बने रहना है, और प्रॉफिट होता है तब भी उसी स्ट्रेटजी पर बने रहना है। वीडियो दिखाने का मतलब यही रहता है कि चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा सकूँ, वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में मैंने दूसरी स्ट्रेटजी यूज की, तीसरे में कुछ और, फर्स्ट में किया हो, तो वही कन्फ्यूज हो जाती है, तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा इसमें। तो जितना सिंपल रखेंगे सेटअप भी, और जितना अपने आप को भी रखेंगे, इतने अच्छे से ट्रेड हम पॉजिटिव में क्लोज कर पाएंगे। तो पेशेंस बने रहना है, बिल्कुल सिस्टम धीरे धीरे करना है, और ऐसे कोई कैपिटल यूज नहीं करनी जिसको खो जाने से आपको डर लगे। वही कैपिटल यूज करनी है जिसको चले जाने से, लॉस हो जाने से आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये ट्रेड जैसे देखो, हमें सिस्टम में अपने में चलना, सिस्टम टू अकॉर्डिंग। तो ये ट्रेड हमारी विन होने वाली थी, लेकिन लास्ट सेकंड में बिल्कुल मोमेंटम आ गए। तो इसमें मैं इसमें 4 टाइम ट्रेड प्लेस करूँगा, फिर 1, 2, 3, 4, तो जिससे ये हमारी जो MTG है वो ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। फिर अब इसको कंप्लीट हो जाने दें, देखते हैं फिर। तो ये ट्रेड हमारी विन होगी, और विन के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा जो ये हमारा लॉस है, एकदम से पॉजिटिव क्लोज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव में हमारा $3,000 कंप्लीट हो गया। तो इसको अगेन मैं रिफ्रेश करूँगा। तो ये पूरी पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट है, और सिंपल सेटअप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मैंने रॉकेट साइंस यूज किया है। सिंपल वही दिखाया जो आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।